हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भिवानी से 20 किलोमीटर स्कीम को लेकर प्राइवेट बस सेवा शुरू हो गई है। कृषि मंत्री जेपी दलाल और विधायक घनश्याम सर्राफ ने प्राइवेट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जेपी दलाल ने कहा कि प्राइवेट बसों के साथ सरकारी बसों की भी खरीद होगी और रोडवेज बेड़े को बढ़ाकर जनता को यातायात की सुविधाएं देने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। आपको बता दें कि ये बसें 26.92 रूपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोडवेज के भुगतान करेंगे और इनमें सरकारी कंडक्टर होगा। गौरतलब है कि रोडवेज यूनियनों ने ऐलान किया था कि भिवानी में इस स्कीम के तहत आने वाली एक भी बस को बस स्टैंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। भिवानी डिस्को के अंदर 2 बसों की बढ़ोतरी हुई है और जो किलोमीटर स्कीम है हरियाणा सरकार से जो स्कीम दी है, हमारे जो बस के मालिक हैं उन्होंने इसको अडॉप्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे करके दोनों तरह की बसें चलेंगी, प्राइवेट आदमी की बस भी जिसका सारा व्यवस्था सरकारी करती है और सरकारी बसें भी, और दोनों में अच्छा कंपटीशन होगा और उपभोक्ता को, आम जनता को अच्छी सुविधा देने की सरकार की नीति है, उसी का ये परिणाम है। और जिन लोगों ने इस स्कीम को अडॉप्ट किया है मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि वो अच्छा व्यवसाय कर पाएंगे।